गरीब और पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को आईआईटी की कोचिंग देने के लिए आनंद कुमार द्वारा शुरू किए गए कोचिंग प्रोग्राम सुपर 30 ने उन्हें न सिर्फ देश भर में लोकप्रियता दिलाई बल्कि विदेशों में भी आनंद कुमार को कई तरह के सम्मानों से नवाजा गया। आनंद कुमार के संघर्षों और उनकी नायाब उपलब्धियों पर बनी फिल्म सुपर 30 के कंप्लीट होने का जश्न बुधवार की रात को मुंबई में मनाया गया। जश्न के इस मौके पर आनंद कुमार का किरदार निभा रहे ऋतिक रोशन ने फिल्म से जुड़े कास्ट एंड क्रू की मौजूदगी में केक काटा। इस मौके पर काफी खुश नजर आ रहे ऋतिक रोशन ने केक काटने के बाद फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल को गले से लगा लिया। इस जश्न में फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर, अमित साध, आदित्य श्रीवास्तव के अलावा फिल्म के को प्रोड्यूसर साजिद नड़ियादवाला भी पहुंचे। संगीतकार जोड़ी अजय अतुल ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बता दें कि सुपर 30 अगले साल 25 जनवरी को देश भर में रिलीज होगी। इस फिल्म का मुकाबला उसी हफ्ते रिलीज हो रही 3 और फिल्मों के साथ होगा। कंगना रनौत की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और इमरान हाशमी की चीट इंडिया की रिलीज डेट भी 25 जनवरी ही रखी गई है। इसके अलावा शिवसेना के दिवंगत नेता बालासाहेब ठाकरे के जीवन पर बन रही फिल्म ठाकरे भी उसी हफ्ते रिलीज होगी। इस फिल्म को बालासाहेब ठाकरे के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में अगर बाकी फिल्मों में से किसी भी फिल्म की रिलीज डेट को आगे पीछे नहीं खिसकाया गया तो सुपर 30 को बॉक्स ऑफिस पर 3 और फिल्मों के साथ मुकाबला करना होगा। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।